वीडियो को कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब और चलो वीडियो में। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैड हाउस गेमिंग चैनल। तो हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम खेलने जा रहे हैं प्रिजन एस्केप, मतलब इसमें एक कैदी होता है, उसको हमें ना प्रिजन मतलब जेल से भगाना होता है, उसे फ्रीडम मतलब आज़ादी देनी होती है। तो आज हम इसे खेलने वाले हैं। इसमें कुछ मिशंस होते हैं, कुछ टास्क होते हैं, कुछ बंदे को दिए जाते हैं, वो पूरे करना है और इसको आज फ्रीडम दिलानी है। तो गेम को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चीज़ को एक प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, वीडियो को पूरा देखे, अच्छी गंदी कैसी भी लगे प्लीज़ भाई वीडियो को पूरा देखे। और यार मिलते हैं वीडियो के फिर अंदर, चलो शुरू करते हैं। ओके 10 डेज लेफ्ट। इसको जेल में डाल दिया और 10 दिन हो चुके हैं, मतलब ये यहाँ से भागने की अब सोच रहा है। तो हमें दिया गया है ये सब चीज़ें। और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, मैंने जितनी रिसर्च की है, मेरे जितना मतलब इस गेम के बारे में सुना है, यूट्यूब पे देखिए, तो इसमें हमेशा वो होता है जो आप सोच भी नहीं सकते, जो सोच से परे है वही हमेशा इसमें होता है। तो हमें कुछ ऐसा वो करना है जो सोच से परे हो। तो सोच से परे इसमें एक दिया है, सिर से फाड़ेगा तो लग भी सकती है क्योंकि टाइल से है कुछ। एक मोल्ट दिया है, पता नहीं किस चीज़ का मोल्ट सा है। और एक ये ग्लव्स है जिसमें पट्टी, तो इसमें हमें पता है क्या सर से मारेगा तो शायद, पता नहीं सर से तो शायद से ये खुद ही मर जाएगा भाई सर से। सर पे पर टोपी भी पहनी है, नहीं शायद से ये होगा ग्लव्स। अच्छा दीवार तोड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ दरवाजे में कुछ करेगा, हाथ बाहर डाल के कुछ ऐसे, भाई इसने दीवार ही तोड़ दी है। चलो नेक्स्ट लेवल। अभी एक डॉगी आ गया है, ये तो इजी है भाई, इसमें तो हड्डी दे रखा है तो हड्डी होगी, इसमें तो कुत्ते को हड्डी, तो कुत्ता हड्डी का ही तो वो होता है। बस निकल गया, मतलब इसे हमें फुल फ्रीडम दिलाएंगे, फुल फ्रीडम मतलब कि आज़ादी। यहाँ से नीचे देख रहा है, ये छत पर आ गया गाइस, मतलब छत पे से इसे निकलना है। रोप से नहीं होगा क्योंकि रोप से तो फिर वो कैसे लटक के जाएगा, शायद से रोप से लैडर है। ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, बट ये भी टूटा हुआ सा है, टूट सकता है। लैडर बिल्कुल सही लग रही है, हटर से भी निकल गया बंदा। अच्छा यहाँ पे ना ये दिया गया है वॉशिंग मशीन है, ये कपड़ों की ट्रॉली है और एक एक धोने के लिए कपड़े है। अगर कपड़े धोने के लिए है मतलब कि वॉशिंग मशीन चलाएगा बंदा, तो वॉशिंग मशीन तो नहीं जा सकते। कपड़े धोने को भी है तो टेबल के ऊपर जो कपड़े रखे हैं मैं उनमें भी नहीं छुप सकता, तो लास्ट ऑप्शन तो यही बचा ट्रॉली में अंदर बैठ के। नहीं भाई ये नहीं होगा, अरे नहीं हाँ हो गया भाई, ये ही हो गया, ये वाला हो गया भाई। अरे भाई अच्छा इसके बाद ये यहाँ पर आ गया ना, तो अब यहाँ पे क्या, जैसे ये ग्लव्स से नहीं, इसे काट के निकलेगा। एक ये दिया है और एक ऊपर से कूद के तो शायद से ये मर जाएगा, काट के ही चलते हैं। ये क्या था, फेल हो गया भाई बंदा। अरे यार ये नहीं था भाई, तो क्या हो सकता है भाई। अच्छा पर हाँ वो मैं भूल रहा हूँ, इसमें हमेशा उल्टा होगा भाई, तो कूद के जाना है हमें इसमें, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते वो होगा, पक्का कूद के जाना होगा। देखना ये देख भाई, भाई मैंने कहा था कूद। अरे भाई यार, अबे यार ये क्या है भाई। अभी यहाँ पे एक बंदा है, इसकी फाइट हो गई है सामने वाले की बॉडी वूडी मस्त है, तो तू अपने बंदे बुला ले। अभी ये बंदे बुलाने, अबे इसने फ़ोन ही इसको दे दिया ये भाई। मैंने सोचा बंदे बुलाएगा भाई। अच्छा यहाँ पर अगर
एक वो है गोल बोल, लाइट चली गई और एक टीवी, इसमें उल्टा होता है, याद रखना है मेरे को। अगर मैं लाइट काट दूंगा तो पक्का लाइट ऑन हो जाएगी थोड़ी देर में। अगर मैं इसके सर पे ये मार दूं, बॉल मार दूं तो नहीं, कुछ तो होगा। टीवी ऑन करता हूँ, ये टीवी देखेगा और मैं साइड से निकलूँगा, शायद ऐसा ही कुछ होगा। अरे भाई लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। नेक्स्ट हम किसी हॉस्पिटल में हैं शायद से, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे। हम अगर इसमें तो नहीं, इसमें तो कुछ भी हो सकता है, कुछ अंदर इधर भाग, ये प्लस पे दबाते हैं, मतलब ये जो मेडिकल का होता है, अंदर जाएगा बंदा अंदर, शायद से इसको ना एडमिट कर देंगे और इधर से यहाँ से इसको भागने में अच्छी खासी मदद मिल जाएगी। नहीं भाई ये नहीं था, कुछ और होगा। अच्छा यही था, सॉरी यही था भाई। उसके बाद अगर डॉक्टर बन के या आंखों में इसकी कुछ मार दूं तो हाँ, इसकी आंखों में, इसके मुंह पे कुछ मार दिया और इसको सुला भी दिया। अभी हमें यहाँ से जाना है, अभी चूहा आ गया यार, ये क्या कहते हैं इसको, माउस। चूहे को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है भाई, ये तो टॉम एंड जेरी हमने बहुत देखा है, उस पर सबको पता है। ये ले भाई, ये नहीं भाई, पर ये खा के चला जाएगा शायद। अरे हाँ खा के सच में चला गया, मुझे लगा खा के यहीं रहेगा कहीं, पत्थर पत्थर से होगा शायद, पर नहीं सही था। भाई आप लोग भी मतलब इस गेम में देखना, आप लोग खुद भी खेलोगे ना तो आप लोग को जो मतलब दो चीज़ें इसमें ऐसी होगी जो आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकती है, और एक चीज़ इसमें ऐसी होगी कि नहीं हो सकती वो चीज़, पर होगी वही चीज़ जो आपको लगेगी कि नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे है गिटार है, अभी ये पता नहीं बीच वाला क्या है, कुछ गोल गोल सा है, शोर होगा, और ये तीसरा म्यूज़िक का है, तो हमें म्यूज़िक बजाना है। ये शायद से सो जाएगा ना म्यूज़िक सुन के, हाँ, और ये यहाँ से इजी निकल जाएगा भाई, इतने इजी। कुछ हार्ड दो यार, कुछ हार्ड दो यार, ये सब नहीं भाई। माय आई, इधर पंखा है, कॉकरोच है, कॉकरोच से तो नहीं होगा, ये शीट्स को ऐसे नहीं, पंखा चलाता हूँ, शीट उड़ेगी और मैं फिर निकलूँगा। अब शीट उड़नी थी भाई, ये इसके मुंह पे चिपक गई भाई, ये क्या गेम है यार, क्या लॉजिक है भाई इसमें, हाँ मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे एक लेडी है शायद से, कॉकरोच अगर मैं ऊपर इधर एक फ्रेम गिराता हूँ या इस पर मारता हूँ ऊपर, नहीं भाई मैंने सोचा उसके सर पे गिरेगा वो, अबे नहीं मुझे लगा उसके सर पे गिरेगा वो तो वो बेहोश हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको मटके को गिराता हूँ तो क्या होगा, अबे भाई इसके गिरने से ये डर गई और बेहोश भी होगी भाई। भाई ये सही है, देख मैं कह रहा हूँ भाई, जो तुम्हें नहीं लगेगा ना वो ही होगा इसमें, मेरे को लग रहा था कि वो उसके बजने से वो बेहोश हो सकती, पर वो नहीं हुआ। अच्छा इसको यहाँ पे ना अंदर, इसको जेल में डाल दिया, नहीं, वो तो बाहर है बंदा, ये तो इसका शायद से कोई फ्रेंड है, तो इसको काटना है या एक ऐसे चाबी से खोल लेते ना, चाबी तो है। ओ बंदा बाहर आ गया, अब यहाँ पे एक लेडी है, इसको चाकू और ये पता नहीं, और ये अरे ये तो इसी कॉकरोच से डरती है भाई, वो भाग जाएगी, पर भागेगी तो इधर से ही, अरे नहीं ये कल सही है भाई, हर बार लड़की डरती है भाई। अच्छा हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ से जाना है तो हमें ना एक उधर बटन है, तो बटन पे हमें ना जैसे कोई रेड रंग का, तो ऐसे जैसे कोई जाने के लिए ऐसे कार्ड, नहीं, अच्छा सॉरी यहाँ पे बटन देखो गाइस, इसका बटन का कलर येलो है, येलो है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, येलो चूज़ करता हूँ ना, देखना बटन का कलर येलो है, ये देखो। अरे इसमें छोटी छोटी बातों को, ये देखो यार मैंने कहा था,
ये भी हो गया, चलो नेक्स्ट लेवल पे। अभी हमें यहाँ आए, हमें ऊपर से कूद के यहाँ, तो देखो ऊपर से हम जा सकते हैं लग रहा है सबको, आग से हम इसको ताले को पिघला सकते हैं ये भी लग रहा है, बट ये दरवाज़ा नहीं तोड़ सकते, तो मैं यही चूज़ करूँगा पहले, गलत होगा मुझे पता है भाई। एक्सपीरियंस भाई एक्सपीरियंस, अब इतना वो हो चुका है ना कि मैं क्या बताऊँ। अभी देखो लाठी से मैं इनको मार सकता हूँ, मार के भगा सकता हूँ, लाइटर से नहीं, इनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अजीब हो। लो भाई अभी कहीं अपने बंदे लेके ना आ जाइए भाई, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। अच्छा यहाँ पे ये है, तो हमें ना ऊपर से निकलना है, या दरवाज़ा या खिड़की जैसे भी, क्या कुछ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ नीचे देखो एक वो भी है, तो हमें ये सीढ़ी लेके निकलना है। अरे पर सीढ़ी टूट भी तो सकती है ना, मुझे लगा ही था भाई। दीवार को तोड़ सकते हैं क्या? पहले हम खोदते हैं, नीचे खोद के चलते हैं, कहीं नीचे भाई मैं किसी दूसरे उसमें ना गिर जाऊं, ऐसा भी हो सकता है। नहीं 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 भाई ऐसा नहीं होगा, एक्सपीरियंस भाई। अब यार पता है क्या, देखो तुम खेलोगे ना तुम खुद भी बोलोगे यार, इसमें हमेशा वही चीज़ होती है जो तुम, ये थोड़ा टफ लग रहा है मेरे को। टॉर्च और कैंडल है, और ये एक जुगनू, क्या कहते हैं इसको यार, सबके अलग अलग कहते हैं, ये गर्मियों में होते हैं ना बाहर घूमते हैं हवा में, इनकी रोशनी से बंदा निकल गया। हाँ क्योंकि वो लगेगा भी कि वो उनकी रोशनी है, तो बंदा निकल भी गया। अभी हमें नहीं जाना, और अभी हम झाड़ी लेते हैं, जैसे झाड़ी के पीछे हम छुप जाएंगे ना, और जैसे ही हाँ अभी निकलना नहीं, अरे नहीं झाड़ी नहीं, अरे भाई मैं भूल क्यों रहा है, उसमें वो होगा जो कभी बंदा सोच भी नहीं सकता। देखो झाड़ी के पीछे बंदा सोचेगा कि छुप सकता है, बंदूक से बंदा उसको मार भी सकता है, तो तीसरा है ये, तो हम यही चूज़ करेंगे। ये पता नहीं क्या है, जोकर या कुत्ता कुछ तो है, ये जोकर है शायद से, ये डॉगी बन गया भाई। वाह भाई यही लॉजिक है इसमें, एक ही लॉजिक है भाई, तुम कितने मर्जी इसमें वो कर लो, इसमें एक ही लॉजिक है, तुम्हें हमेशा गलत चूज़ करना है। अच्छा यहाँ पे एक वो है, बोलते हैं कि वो देखो अभी गलत चूज़ करना है ना, तो रेड और ग्रीन मतलब कहते हैं कि रेड और ग्रीन में करंट होता है, तो उसको काटने से बंद हो जाएगा सब कुछ, पर हम वो गलत चूज़ करना है, तो हम ब्लैक चूज़ करेंगे। वैसे ब्लैक में कुछ होता नहीं है, ब्लैक तो ऐसे होती है शायद से, देखा भाई मैं कह रहा हूँ, सिर्फ भाई तुम्हें सिर्फ कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें, हमेशा गलत चूज़ कर दो तुम्हारा हो जाएगा। अभी गलत क्या लग रहा है तुम्हें, लकड़ी से बंदा मार सकता है और ये इससे भी बंदा मार सकता है, इसके उस सर पे लग जाएगा, ये पत्थर गलत लग रहा है, तो पत्थर चूज करो, और बंदा इसके सर पे, वाह भाई वाह भाई, बंदा आजाद हो गया, ओपी यार। तो अपना टास्क कंप्लीट हो गया, अभी इसका नेक्स्ट जो टास्क है शायद से वो कुछ और होगा। हाँ बंदा फ्रीडम भाई, आजाद हो गया बंदा, अभी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इसके नेक्स्ट टास्क में, जो कि नेक्स्ट टास्क इसका है टेक चैलेंज और नेक्स्ट प्रिजन। अब मतलब ये इसके बाद फिर से प्रिजन में फंसने वाला है, आफ्टर एस्केप फ्रॉम द प्रिजन द स्टिकमैन, जो भी इसका नाम है, लाइफ इन लग्जरी, मतलब इसके बाद ये लग्जरी लाइफ जीने वाला है। तो इसके अगला पार्ट में इसकी लग्जरी लाइफ के बारे में, मतलब जितना भी इसके प्रिजन से निकलना और इसके लिए जो भी इसने लड़की ढूंढी है दिख रहा है जैसे कि, वो सब कुछ अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को भाई अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना यार, प्लीज़ आप लोगों के भाई के लिए अच्छी मेहनत होगी। बाकी बाय बाय।